मरांग बुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पैंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया, और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पैंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना, यही मोदी की गारंटी है।
मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया, माना था कि नहीं माना था। लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया।
साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ है। एक साथ 27 स्टेशन, पिछले 100 साल में ये काम नहीं हुआ होगा। 25 फरवरी को ही झारखंड में अस्पतालों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हाँ, कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है।
साथियों, जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार है, इतने प्रतिभाशाली नौजवान है, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है, आप ही मेरे परिवारजन है, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। साथियों, धनबाद और आसपास का ये क्षेत्र उद्यमियों और श्रमिकों का क्षेत्र है, लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं। कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। साथियों, यहां झारखंड के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूं तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों को, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। हमने एक देश एक राशन कार्ड योजना बनाई। अब मेरे मजदूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता। साथियों, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं देख रहा था, जब मैं खुली जीप में आ रहा था,
जितनी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी, ये अद्भुत दृश्य था। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है, तब आकर के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं, ये कितना बड़ा प्यार है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है, और अभी बाबूलाल जी ने बताया उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती है। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, मेरा पक्का विश्वास है, मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है, इस देश के गांव गरीब किसान पर विश्वास है, इस देश की माताओं बहनों नौजवान पर विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण ही है। ये भाजपा ही है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, और बीते 10 वर्ष में इसके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की। आदिवासी समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है।
मैंने झारखंड से ही इन जनजातियों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसके तहत आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं। इसका लाभ हमारे झारखंड की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परैया, सवारा, ऐसी छोटी 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 आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं, जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी। मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड। आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानूं, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास, गांव में, मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा, जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आए थे, मोदी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे। एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं है। क्या प्यार है आपका, क्या आशीर्वाद है आपके, ये कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, कभी भूल नहीं सकता हूं। आप इस धूप में तप रहे हैं मोदी को आशीर्वाद देने के लिए, जिंदगी में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गूंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।